आपके दिल को नया रिश्ता मुबारक मेहरी। सुना, दो में ये हमारी रोल है, मैं वापस करूं दो में। मेरा है नहीं। हाँ तू भूल गई है, जब पत्ता कटे हुए साल हो गए सालों। अब जो तेरा था वो अब उनका है, समझी? सोना तुम हमेशा ऐसे लड़ते क्यों रहती हो? ऐसे नन्हे में पूजा दी से लड़ते और पूजा दी नरेन भैया से। वो दोनों तो अपन से ज्यादा लड़ते हैं। इतना नहीं नहीं इतना लड़ते वो इतना ज्यादा ज्यादा से भी ज्यादा बहुत ज्यादा। गोपाल नरेन भी पूजा दीदी उन दिन हमेशा दूसरों से लड़ते रहते हैं। प्लीज कुछ ऐसा करो ना, तू तो ना लड़े। तू किससे बात कर रही है? वो तेरे वो गोपाल की मूर्ति से? हाँ हाँ, ये गोपाल हमारी सारी विश पूरी कर देगा। गोपाल प्लीज ऐसा कुछ करो ना कि वो तो ना लड़े। हाँ ऐसा करो कि उन दोनों को तुम पिकनिक पे भेजो। वो लोग खाएंगे खेलेंगे कूदेंगे बहुत सारी मस्ती करेंगे। वो दोनों जब राइड में चढ़ेंगे और नहीं लड़ेंगे। नहीं नहीं पिकनिक में तो बच्चे जाते हैं, उन दोनों को हनीमून भेज दे। हनीमून? वो क्या होता है? अरे वो तो बड़े लोगों की पिकनिक होती है, अपन ने फिल्मों में देखा था। बोल दे तेरे उस भगवान को। ओके ओके गोपाल तुम ना उन दोनों को वही भेज दो, बड़े लोग एक पिकनिक पे। जैसी है तुम दोनों बच्चों की इच्छा। अथास बेटा सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो। ये तुम्हारे लिए। मैं तो अब भी कह रही हूं बच्चों के घूमने के जाने के बीच बड़ों का क्या काम, लेकिन ये पूजा है जो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। नहीं माँ, जाएंगे तो हम सब साथ ही जाएंगे। पागल लड़की। बिल्कुल सही कहा आंटी। कॉलेज वाली झली ना आज तक भी एकदम पागल ही है सच्ची। मीरा कैसी है? बढ़िया। नरेन लुक एट यू, शादी के बाद तो तेरे रंग ही बदल गए। नमस्ते आंटी जी। खुश रहोगे। नमस्ते मीरा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। पूजा की कॉलेज की सहेली हो ना तुम, और पूरे दो साल बाद तुम्हें फुर्सत मिली है हमारे घर आने की। और वो भी तब जब मैंने 100 बार फोन किए। तो है आंटी जी, तो वैसे पूजा थोड़ी लकी निकली, तेरा हस्बैंड तो बड़ा ही रोमांटिक है। हाँ बट नरेन तुमने मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी। वो क्या है ना, मेरी बीवी एक्सपेक्ट करेगी कि मैं भी उसे सरप्राइज दूँ। जल्दी अब आई है तो अपना सरप्राइज तो निकाल, मेरा गिफ्ट तो दे। मुझे पहले से ही पता था इसका मतलब तुझे मेरे से मतलब नहीं है, तेरे मेरे गिफ्ट है। खैर आंटी जी
हमारे यहाँ माना जाता है कि नई नवेली दुल्हन के कलीरे ना किसी भी सुहागन के लिए बड़े शुभ होते हैं, इसलिए ये कलीरे तेरे लिए। लेकिन सालगिरह तो दोनों की होती है, तोहफा भी तो दोनों का मिलना चाहिए। नरेन बाबू डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखें, शाम होते ही आपको भी आपका तोहफा मिल जाए। वैसे तुम्हारे पति ने ना तेरे लिए बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज प्लान कर रखा है, पर सब कुछ बताने की ना मेरे पास परमिशन नहीं है। अच्छा बाबा अच्छा, अब कम से कम अंदर तो चलो, बाकी की बातें नाश्ते पर करते रहना। हाँ जी आंटी। चलो आओ बेटा। इस बार भाई और भाभी ट्रिप पर जाएंगे जरूर, लेकिन वापस लौटने के लिए नहीं, क्योंकि इस बार भाई और भाभी की सवारी चलाएगा खुद उनका चीता देवर। आप बस को सही जगह पर रोकने के लिए तैयार रहिएगा मोहतरमा। बिल्कुल राहुल बाबू, हम इंतजार में पलके और जाल दोनों बिछाए बैठे। क्या बात है बिला जी, क्या बात है, आखिरकार हमें कोई मिल ही गया जो हमसे भी कमीना है। इंप्रेस्ड। और आज के बाद आज का दिन भाई और भाभी के एनिवर्सरी के तौर पर नहीं, नरेन बाबू के दुखद देहांत के तौर पर याद किया जाए। नरेन के पिता इसे सांपों की टोली के सरदार को बेचना चाहते थे, इसलिए मैंने अपने बच्चे को आश्रम में छोड़ दिया। पूजा, कल रात से तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। मधुपुर के लिए चलने के लिए तुम्हारी हाँ को मैं अपनी सफाई के लिए एक और मौका समझूं। माँ पापा को बुरा ना लगे इसीलिए आपके साथ बस मैं मधुपुर जा रही हूँ, लेकिन जब व्यास मैंशन बस वापस लौटेगी तो मेरे बिना ही लौटेगी। नहीं पूछ, हम साथ जाएंगे और लौटेंगे भी साथ। हर बीवी यही चाहती है कि उसके बच्चे में उसके हस्बैंड के गुना, और मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि मेरे बच्चे में उसके बाप के गुण कभी ना आए। बस राहुल, इस बार तुम अपने कंधे इरादे में कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं अभी जाकर सब कुछ बता दूंगी। यम हम 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 यम हम। वहीं रुक जाओ। बेटा, ऐसी हालत में खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक नहीं पालते। तुम तो मुझे जानती हो, यू नो मी राइट? नायक नहीं हूं मैं, खलनायक हूं मैं, और तुम्हारे लिए तो बड़ा ही दुखदायक हूं मैं। अगर इस कमरे से निकलने की कोशिश भी की तो सीधे अस्पताल के बिस्तर में पड़ी हुई मिलोगे। गॉट इट? गॉट इट? तुम और तुमको यहां का पता किसने बताया? हम बेला हैं, आप लोगों की मदद करने आए हैं यहां। हम यम साधु हैं, साधारण मनुष्य, ऊपर से तुम एक स्त्री हो, हमारे किस काम की? हम आपके महागुरु के 27 साल के प्रायश्चित का अंत करा सकते हैं। ओ लड़की,
तुम्हें समझ भी है तुम क्या कह रही हो? यहां तक आए हैं कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे। आज से लगभग 27-28 साल पहले एक बाप ने आपके महागुरु को अपना बेटा भेंट में दिया था, लेकिन उस लड़के की माँ उसे लेकर भाग गई थी बाबा। पिछले इतने सालों से वो लड़का एक अमीर बाप के घर में ठाट से अपनी जिंदगी जी रहा है, और तो और उसने अपनी गृहस्थ जीवन भी बसा लिया। गृहस्थ जीवन एक यम साधु कभी भी अपनी गृहस्थी नहीं बसा सकता, ये घोर पाप है पाप। हाँ बाबा, उस लड़के को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। उस लड़के को उसके किए की सजा मिलेगी, गृहस्थ जीवन बिताया है उसने, उसे अपना पारुष खोना पड़ेगा। वो भूल सकता ही उसकी सजा है, और हमारे महागुरु को मोचन। यम हम, यम हम, यम हम, यम हम, यम हम। अपनी मर्दानगी पर बहुत इतराते थे ना आप प्रवीण जी, हमारी माँ की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी, और आप मिलन की रात सजाना चाहते थे। अब यही रात आपके लिए सजा बनेगी प्रवीण जी। कम कम कम, चलो यार चलो, नहीं तो मधुपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, और फिर भाई और भाभी की एनिवर्सरी ना यहीं बस में मना लेना। बेटा पूजा कहाँ है? माँ बस आ रही है, अब चली ना। हाँ चलो चलो यार, भाभी जी को जल्दी बुलाओ, अब ये बस चालू हो चुकी है, रुकेगी नहीं बस। अरे राहुल, अरे बेटा गाड़ी क्यों बढ़ा रहे हो, पूजा को तो चढ़ने दो। अच्छी देवरानी बनने का बहुत शौक है ना बेटा, पर हम भी भाई कम बुरे नहीं। पूजा, नरेन, हाउसफुल, आज तो तुम्हें अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के बैठना चाहिए। रे सत्ताईस सालों से मिट्टी के ठेले में धसते जा रहे हैं महागुरु, उस दुष्ट की नपुंसकता की सजा ही हमारे महागुरु का मोचन है।
आज दुर्गाष्टमी के दिन उस लड़के को हमारी गुफा में होना होगा। अपने महागुरु के लिए हम उस लड़के को पाताल से भी हार लाएंगे। यम हम, यम हम, यम हम। मानना पड़ेगा नरेन, जितने तोहफे मैंने पूरी जिंदगी में नीलू को नहीं दिए उससे ज्यादा तो तुमने इस बस में रखवा दिए हैं। बेला जी, हमारा जो सवारी है ना, मधुपुर के लिए निकल चुका है। आधे घंटे में आपके बताए रास्ते पर पहुंच जाएगा, तैयार रहिएगा। चिंता मत कीजिए राहुल, हम भी तैयार। कैसी बात कर रहे हो तुम? ये यम बाबा है, इनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। यासु, इवन आया है फोर्ड। वो क्या कहते हैं उसे, शाप? इनका शाप बहुत ही भारी होता है। इट्स वेरी स्केरी। व्हाट रमेश, अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अरे इस तरह के लोग सब ढकोसलेबाज होते हैं। राहुल तुम बस आगे चलो। पहाड़ी वाले मंदिर तक जाना है, हमें वहां तक छोड़ दो। बाबा जी प्लीज, आप हमें माफ कीजिए और कृपया आगे बढ़िए। राहुल तुम बस चलो। लुक जीजू, यहाँ हमने मना किया और यहाँ बस बंद हो गई। आई टोल्ड यू। सुनिए ना, इन्हें आगे मंदिर तक तो जाना है, बस के किसी कोने में बैठे रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ओके, आइए आइए बाबा जी। बाबा जी चढ़ जाइए हमारी सफारी में, अब क्या हमारी मंजिल एक ही है। बस कुछ ही देर में इस बोतल में बंद जहरीला धुआं पूरे बस में फैला होगा और नरेन बाबू यम बाबा के साथ उनके गुफा में होंगे सजा पाने के लिए।
बाबा जी, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, उस बॉटल में क्या है? मंदिर पहुंचने वाले हैं। कहा जाता है कि दुर्गा अष्टमी के दिन की कई आरती सुहागमर करती है। तो बाबा जी, हम सब भी चलेंगे। नरेन, आप इधर बैठिए। कब तक अपने पति की रक्षक बनोगी? यहां ना सही तो मंदिर में हम इसे पंथक बनाएंगे। इस पापी को इसके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। पूजा को ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा नरेन, क्योंकि आज इस आग के साथ जो राख हुई है वो नरेन की पूजा ही थी। मैं फिर से ऐसी गलती नहीं कर सकता। सब नरेन, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दीजिए, लड़ने दीजिए जो मेरी किस्मत में। एक आखिरी मौका क्या इतना मुश्किल है पूजा? अगर आपकी जगह मैं इस सिचुएशन में होती तो क्या आप मुझे आखिरी मौका देते नरेन? मान जाते कि मैं बस अपने दिल के हाथों मजबूर थी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तत्से 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 नमो नमः। यजमान जी, दुर्गा अष्टमी की आरती प्रारंभ करते हैं। से दैव्य शक्ति और हमारे बीच द्वंद्व होता आया है। देवी के प्रांगण में हमारा प्रवेश संभव नहीं। ये लो, ये हमारे यहाँ का खास बहुत है। इसका प्रसाद सबको मिलना चाहिए। प्रसाद के मिलते ही सबके सब मूर्छित पड़े होंगे और वो दुष्ट लड़का हमारे साथ हमारी गुफा में होगा।
कहीं इन्हें तो नहीं ढूंढ रही? रितनी बॉम, हैप्पी एनिवर्सरी। अर्जुन, यू यहाँ कैसे? यहाँ कैसे क्या मतलब? तुम्हारे पति ने बुलाया यार, क्या मना कर देते आने से? अर्जुन, तुम्हारी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड ने तो मुझे पहचाना ही नहीं। सॉरी माय बैड। पूजा बेटा, अपने दोस्तों से हमें भी तो मिलवाओ। अर्जुन हाय। सुप्रीम बॉम, अब आप अपना तोहफा कबूल करेंगे? हाँ, लेकिन पहले ऑप्शंस दिखाओ, फिर सोचूंगी। वैसे एक बार गिफ्ट देख लोगी ना तो ना नहीं बोल पाओ। अच्छा, कम ऑन मिस्टर चौको ब्राउनी, तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही है। आखिरी बार खुद को लाल रंग लीजिए पूजा जी, क्योंकि इस बार सिर्फ हम नहीं, और भी लोग हैं जो आपके नरेन बाबू को सजा देना चाहते हैं। नींद का भस्म डालते ही ये लड्डुओं की खुशबू और भी लाजवाब हो गई है। अच्छा चलिए, आप जाइए, हाल में सजाकर पूरे परिवार को भोग लगाइए। ये बाबा जी मंदिर के बाहर क्यों खड़े हैं? मुझे कुछ मैं जरा देखकर आता हूं। हाँ हाँ भैया। रुक जाइए, वो प्रसाद मत खाइए, वो खाने लायक नहीं है। लड़की, दुर्गा अष्टमी के दिन देवी माँ के प्रसाद का इतना अपमान, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पंडित जी, पंडित जी, कुछ भी कहने से पहले एक बार इस बोल पर नजर मार लीजिए। अर्जुन ने इस प्रसाद के बोल में मरा हुआ चूहा देखा था। बस इसीलिए जिया इस प्रसाद को लेने से मना कर रही थी। ये प्रसाद तो वाकई खराब है। बेटी, तुम दोनों ने आज बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। ऐसा लगता है जैसे दुर्गाष्टमी के दिन देवी माँ साक्षात भक्तों की रक्षा के लिए आ गई। बोलो देवी माँ की। बाबा जी, कोई दिक्कत है क्या आपको, या कुछ चाहिए हमसे? तब से देख रहा हूँ मंदिर के बाहर यूं नवरे लगाए खड़े हैं,
कुछ चाहिए तो बोलिए। अपने काम से काम रखो, नहीं तो हम तुम्हें भी भस्म कर देंगे। लड्डू में प्रॉब्लम है, आपने अपने लड्डू तो नहीं खाया ना? ओह वरी नरेन, मैंने बस बहुत थोड़ा सा चखा था। नरेन इनको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मैं डॉक्टर से फोन करके अपॉइंटमेंट लेती हूँ। आप पापा को बस के अंदर लेकर जाइए, मैं राहुल को कहती हूँ कि वो बस घुमाए। चलिए आप। लड़की तुमने कहा था कि हमको हमारा शिकार मिल जाएगा, अगर आज सांझ होने से पहले वो लड़का हमारी गुफा में नहीं पहुंचा तो हम तुम्हें भी भस्म कर देंगे। आपको आपका शिकार मिल जाए। यम हम, यम हम, यम हम, यम हम, यम हम। हम उस लड़के को बंदी बनाने में असफल रहे, लेकिन आज सांझ होने से पहले वो लड़का इस गुफा में होना चाहिए। लेकिन उस लड़के को लाने का उपाय गुरुदेव? उस लड़के को उसकी पत्नी से दूर करना होगा। नरेन का कवच उससे दूर हुआ और नरेन हमारे कब्जे में। यम हम, यम हम, यम हम, यम हम, यम हम। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? बार बार मुझे अजीब से आभास क्यों हो रहे हैं? टायर पंक्चर्ड है, इसे बदलना ही पड़ेगा। टायर पंक्चर कैसे हो? मैं कुछ पूछ रही हूं राहुल। बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है? पास पे एक रिसॉर्ट देखा है 1-2 किलोमीटर पे, अंकल को वहीं लेके चलते हैं। भैया ओके। चीजू पानी लीजिए। पापा पापा आराम से।
22 सालों की आपकी तपस्या आज सफल होगी महागुरु। उस लड़के को उसके पापों की सजा मिलेगी। उसे अपने पुरुष को हमेशा हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। उसे नपुंसक होना पड़ेगा। फीलिंग बेटर पापा? हाँ बेटा, बेटर। आराम से चलिए बेटा, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए अगर सही समय पे हमें गाड़ी नहीं मिलती तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन ऐन वक्त पर भगवान ने तुम दोनों को हमारे पास भेज दिया। थैंक यू बेटा। आंटी, क्रेडिट भगवान को नहीं, जीजू को दीजिए। उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया था दी को सरप्राइज देने के लिए। अब पापा को कमरे में ले जाइए। और यहाँ की सारी अरेंजमेंट शौर्य ने किए तो पापा को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए आइए। आज बार बार मेरे साथ ऐसी अजीब चीजें क्यों हो रही हैं? क्यों ये रिजॉर्ट मुझे देखा देखा सा लग रहा है, जबकि आज से पहले इस जगह में कभी आई ही नहीं। तुम्हें और क्या करूं? बस से लेकर अब तक तुमसे बात करने की कोशिश करो, लेकिन तुम की मुझे बात करने का मौका भी नहीं दे रही। मौका दे भी दिया तो भी क्या नया कह देंगे आप? बार बार सॉरी बोल देने से उस रात का सच बदल नहीं जाएगा नरेन, और ना ही कभी ये सच बदलेगा कि दिल शरीर का सिर्फ एक हिस्सा होता है। आप अपनी बेवफाई का कसूर उस पर मत मढ़िए नरेन। पूजा, मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बात तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम मेरी बात समझ जाओ। तो फिर क्यों बार बार मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं नरेन? क्यों बार बार ये सरप्राइजेस दे रहे हैं, मेरे दोस्तों को बुला रहे हैं और ये पिकनिक? क्या मतलब है इन सब बातों का? मुझे, मैं तुम्हारे गुस्से को पिघला तो नहीं सकता, लेकिन तुम भी मेरी कोशिशों को रोक नहीं सकती, और ये बात तुम भी जानती हो। सब कुछ भूल जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या हम आज के खास दिन को भी सजा देंगे?
साल मेरे लिए तो ये दिन एक सजा ही होगी नरेन। सुबह तुम्हें गार्डन में चक्कर भी आया था, वो तो अच्छा हुआ कि बाऊजी वहीं पे थे, उन्होंने तुम्हें देख लिया, वरना पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता। सुरभि, बेटा राहुल कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लो बात करो। सुरभि बात करो, होने वाले पापा को भी तो तसल्ली होनी चाहिए। मेरी सावली स्नो वाइट नींद से जाग गई। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मत लिया करो पंगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो झांसी की रानी बनने का शौक है। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें किस भाषा में समझाऊं कि तुम्हें एक बार में बात समझ में आ जाए। वन लास्ट टाइम बिफोर, अगर तुमने नरेन और कुछ बताने की कोशिश भी की, मैं तुम्हें मां बनने के लायक नहीं छोड़ूंगा। समझ में आया? हाँ, हाँ। गुड, चलो अभी रखता हूं, टेक केयर, मिसिंग यू। क्या हुआ सुरभि, क्या कह रहा हूं? बोलो। कुछ नहीं बुआ जी, हस्बैंड वाइफ के झगड़े आप तो समझती हैं ना। अभी मैं देखता हूं। अरे भाई कौन हो तुम लोग और मेरी लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो, और वो भी अकेले? मुझे भी साथ ले लेते। मामा, एनिवर्सरी पूजा। मामी आप सब लोग यहाँ? अरे तू अभी भी नहीं समझी,
ये सब नरेन बाबू का प्लान था। बम बोले बाबा जी की जय हो। देखिए बाबा जी, पिछली बार तो आपका निशाना चूक गया था, लेकिन इस बार हमें निराश मत कीजिए। वो क्या है कि लोगों का आप जैसों से डरना बंद हो जाएगा। जाते हैं, जाते हैं, हम जाके उनका ध्यान बटाते हैं। आप नरेन पर निशाना जरूर लगवा दीजिए। रिजॉर्ट के बाहर गाड़ी खड़ी। लिया गया है, अब हमें विधि की शुरुआत कर देनी चाहिए। यम हम, 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 यम हम। इसी स्टेज पर लोहे की जंजीरों से बांधकर आपका वो हर्ष करेंगे नरेन बाबू कि प्रवीण जी का दिल भी दहल उठेगा। पारा नंबर तो वैसे भी अच्छा नहीं होता, कभी इस कमरे में आई नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों जाना पहचाना सा लगता है। शायद ये मेरा वहम ही होगा, नहीं तो यहाँ वो बड़ा गिफ्ट बॉक्स का डब्बा भी होता। हाँ। यम हम, यम हम, यम हम, यम हम, यम हम। आज का सूर्यास्त इस पापी के पुरुष का भी अस्त होगा। इसे बलि के लिए तैयार करो। अरे भाई, तुम लोगों को गलत फहमी हो गई है, मैं राहुल व्यास हूँ, नरेन व्यास नहीं हूँ। तुम लोगों ने गलत आदमी को उठा लिया, अभी छोड़ो छोड़ो।
छोड़ा अभी। आपने मेरा दिल ही नहीं मेरा भरोसा भी तोड़ा है नरेन। मैं चाहकर भी उस रात को कभी भुला नहीं सकती। पूजा बेटा, आज शाम को फंक्शन के लिए तुम्हारे लिए खास तोहफा, जरूर पहनना, हमें भी अच्छा लगेगा और नरेन को भी। श्री बीवी जी, तोहफा कबूल कीजिए। नरेन, बार बार ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब चीजों से मैं पिघल जाऊंगी? मोरा पिया। It's okay. कुछ नहीं है। अरे ये तो गलत आदमी ले आए हम। अगर आज सूर्यास्त से पहले नरेन को सजा नहीं मिली तो हमारे महागुरु के 27 सालों का तप खंडित हो जाएगा। अब हम सब जाएंगे और तलवार और भाले की नोक पर उसको लेकर के आएंगे। नहीं गुरुजी, आप लोग इतने सारे लोग इस भेष में अगर गए तो नरेन के अंग रक्षक आपको उस तक पहुंचने नहीं देंगे। हम आपकी शरण में आए, आप हमें सेवा का मौका दीजिए। नरेन का कवच उसकी पत्नी पूजा, जिस तरह से लोहा को हथौड़ा बनाने के लिए लोहा को ही मारना होता, ठीक उसी तरह अगर कवच औरत है तो उससे भिड़ने के लिए भी औरत की ही जरूरत पड़ेगी। आप बस हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए और सूर्यास्त से पहले हम नरेन को आपके पैरों पर ला गिराएंगे। ये सौगंध है हमारे मायके की। तुम ठीक तो हो ना? नरेन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम माँ पापा से कहकर अभी यहाँ से चले जाते हैं। नरेन, हमें घर चलना चाहिए। नरेन, अब हमें घर वापस जाना। हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, चलेंगे चलेंगे। हाँ, लेकिन कल चलें। एक्चुअली डॉक्टर ने पापा को आज रेस्ट करने के लिए कहा है। अच्छा चलो, अब इतना सोचो मत। माँ ने जो गिफ्ट दिया है ना, उसे पहनकर तैयार हो जा। मेरा बिल्कुल मन नहीं। पापा की हालत देखकर तो मन मेरा भी नहीं, लेकिन पापा की जिद है। प्लीज मान जा। चलो देखते हैं हमारी वानर सेना कहां तक पहुंची है। यहां नेटवर्क तो है नहीं, अब लैंडलाइन से ही कॉल करना पड़ेगा। मेरे सारे अंधे से सच हो रहे हैं।
इसका मतलब आगे भी खतरा है। माँ भवानी, अब आप ही मेरे नरेन और मेरे परिवार को बचा सकती हैं। उनकी रक्षा करना माँ। हेलो नरेन, मैं कब से आप लोगों को फोन कर रहा हूँ, आप है कहाँ? आप सब ठीक तो है? डोंट वरी विवान, सब ठीक है। एक्चुअली पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए शाम के पार्टी का वेन्यू चेंज हो गया। मैं तुम्हें रिसोर्ट का एड्रेस मैसेज करता हूँ, क्या तुम प्लीज बाकी सबको इन्फॉर्म कर दोगे? डेफिनेटली नरेन, डोंट वरी अबाउट दैट। आप बस एक काम करिए, आप पापा का ख्याल रखिए, मैं सबसे कोऑर्डिनेट करता हूँ। एंड इनफैक्ट मैं और मीरा तो बस अभी निकल ही रहे, आई सी यू देयर। ग्रेट। आज की शाम तुम्हारे लिए बहुत ही यादगार शाम होगी पूजा, आई प्रॉमिस। आसपास कोई पहाड़ या गुफा है क्या? बचपन से लेकर आज तक हमने किसी पहाड़ या गुफा के बारे में यहाँ सुना नहीं है। हमारी मानिए तो मीलों को उस दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। हम यहाँ इसका ध्यान हटाने आए थे, लेकिन इसकी नजर तो पहले से ही गुफा पर है। हमें इसे नरेन से दूर रखना होगा, नहीं तो आज भी मेरा इंसाफ पूरा नहीं होगा। थैंक यू सो मच शौर्या, द ऑर्डर इज ग्रेट। और यहाँ के अरेंजमेंट्स तो और भी जबरदस्त हैं, बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। I'm so glad नरेन, मैं तुम्हारी हेल्प कर सका। और सुनो, इस रिजॉर्ट को ना अपना समझो, जब तक चाहो यहाँ आराम से रहो। अच्छा सुनो, अंकल कैसे हैं? अब बेटर है, बाकी तुम और मैं जब पहुंचोगे तो मिल लेना। वैसे तुम और मैं कब तक पहुंच रहे हो? कब से वेट कर रहा हूँ यार, यू एंड मैक हैव टू कम। मैं पूजा की सबसे पुरानी दोस्त है और पूजा को मनाने में मुझे मैक की जरूरत पड़ेगी। आई एम श्योर पूजा उसकी बात जरूर सुनेगी, तो जल्दी पहुंचिए जाना। नरेन एक्चुअली महक ना तुम दोनों के लिए स्पेशल केक बनाने में बिजी है, और जब वो केक बन जाएगा ना तो हम दोनों आ जाएंगे। हाँ, और जैसे ही मैडम फ्री होंगी ना तो हम दोनों आ जाएंगे। ग्रेट, आई होप तुम और महक जल्दी पहुंच जाओ, और हाँ हमें महक के हाथ का केक खाने का इंतजार रहेगा। हाँ हाँ। अरे मेरे भूतना, मेरे अपने दादा, मुझे छोड़ो। यहाँ जो आता है वो लौट कर वापस नहीं जाता, इसे भी अपना पुरुष खोना होगा। गुरुजी, ये पूजा के मायके और ससुराल वालों की तस्वीरें हैं, घर संभालने में उलझी रहेगी तो ही नरेन का पीछा छोड़ेगी। आप जानते हैं इन सब चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला नरेन, ये सब मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। कम से कम फैमिली के जरिए से तुमने मुझे खुद से तो जोड़ा। और आज हमारा यही परी है, आज के दिन हमें एक खास तोहफा देना चाहता है। ना शनिवार ना इतवार है, हवाओं में बस प्यार है। मौका भी है, दस्तूर भी, सेटअप भी तैयार है। डूबे थे जिस प्यार में दोनों, प्यार वो बरकरार है। खुश खुश हो जीवन सारा,
कहता ये दिल बारंबार है। तो इसी बात पर कह दो भैया, आज का सेटअप तैयार है। बेटे से बढ़कर पाया जमाई, हर नखरा भी स्वीकार है। सजा रहे घर बार बेटी का, यही इसका परिवार है। तो फिर हो जाए हल्ला गुल्ला, बस केक का हमें इंतजार है। So let's party hard everyone, लीजिए सारा सेटअप तैयार है। Happy anniversary! सबने अपने मन की बात तो कह दी, लेकिन क्या मुझे कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा? जरूर जरूर। पाकर तुमको मैंने पानी है हर खुशी, समझा क्या होती है जिंदगी, सांसें भी जीने लगी, चाहा मैंने सिर्फ तुम्हें, वफा भी सिर्फ तुमसे जुड़ी, चाहे कितने भी दिल बदल लो, रूह में हो तो तुम ही बसी। माँ कितना सुंदर केक है। सुरभि और बुआ ने मिलकर बेक किया है, तुम दोनों का फेवरेट केक है ना? हाँ माँ, हम दोनों का। चलो किसकी मोहरत का इंतजार कर रहे हो? जीजू इधर आओ, जल्दी केक काटो यार, कम ऑन कॉल, जल्दी कम ऑन। रानी भाई के साथ क्या करने वाली थी? हे भगवान, आज के पहले मैंने ताई जी के कन्हैया को इतना याद नहीं किया। भगवान बचाओ, मैं उस भूतिया जगह से तो निकल गया, लेकिन बीबी को मेरे पीछे आ रहे होंगे, तो क्या करूं, कहां छुपूं? सुरभि के पास जाना चाहिए। सुना है कि बीवियां ही ऐसे बाबाओं से हम जैसे बेचारों को बचा सकती है। अबे शाणे, तू क्या कर रहा है? अपनी जैसी हालत देखकर मजा आ रहा है नहीं? अबे कुत्ते, आज वैसे भी मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से लेट हुए, सो यू बेटर शट योर माउथ। हेलो मैडम, जानबूझ के लेट हुआ हूँ मैं, पूछो क्यों? क्यों? अब नरेन और पूजा पूरा वक्त हमारे साथ रहते तो एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताते? मुझे लगा कोई नहीं, हम ही लेट हो जाते हैं। नॉट बैड, वैसे मेरे साथ रहते रहते तुम काफी स्मार्ट हो गए हो। अरे क्या हो गया? क्या हुआ अर्जुन? लगता है तुम्हारे साथ रहने का असर शुरू हो गया। क्या हो गया? ये अचानक क्या हो गया यार? सुबह तो गाड़ी आई है सर्विसिंग से। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुनो हम यहाँ से चलते हैं, गाड़ी छोड़ो, पूजा और नरेन के पास जाना है ना, लेट्स गो। गाड़ी? चलो अर्जुन। क्या सोच रही हो?
नरेन कम ऑन पीट आउट द केक या या नरेन कम ऑन पीट कम ऑन स्माइल चीयर अप अरे जीजू दी आपकी अपनी बीवी है ना ऐसे कोई अपनी बीवी को केक खिलाता है अनुज तो तुम ही जीजू को दिखा दो कि अपनी बीवी को केक कैसे खिलाते लो मैं ही बताता हूं अनुज शुरू हो गए तुम्हारे हिटलर गिरे कभी तो चुप रहा करो 27 साल से तुम्हारी पक पक सुन रहा हूँ आज बर्दाश्त नहीं करूंगा क्या कर रहे हैं आप अब इनका दिमाग इनके वश में नहीं रहेगा ऐसा भिड़ेंगे अपनी बीवियों से कि पूजा को नरेन का साथ छोड़ना होगा और फिर नरेन हमारे कब से ये गाड़ी के लॉक्स को क्या हो गया रिसेप्शन पे फोन भी नहीं मिल रहा है मेरा क्या हो रहा है कैसी जगह है ना नेटवर्क आ रहा है ना कोई हेल्प कर कोई है भी नहीं आसपास जिससे हेल्प मांग सके पता नहीं कहां गया विवान मुझे जगह सही नहीं लगती हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा पूजा और नरेन भी वेट करे होंगे अब तुम ही मेरे बैड लक को गुड लक में बदलोगे काम तो मुझे सालों पहले कर लेना चाहिए था अंग्रेजी गुड़िया हर समय मुझ पे हुकुम चलाने का बहुत शौक है ना अब देखो तुम ये पूरी बोतल आज मैं तुम्हारे ऊपर पलट के दूंगा अरे पागल थी चलिए आपकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी चलिए आइए मेरे साथ बस कुछ मिनट और नरेन बाबू आ रहे हैं माया जाल में फंसाने साला यही बचा था होने को कौन है तुम्हारा बाप और इस जंगल की आत्मा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं तुम्हारी छाती फाड़कर अच्छे से फाड़कर खून पी जाएंगे सुना राहुल भैया ऐसे क्या दौर रहे कुछ तो गड़बड़ है कल नरेन भैया पूजा दीदी किसी मुसीबत में तो नहीं है हाँ मैं जल्दी से जल्दी उसे पहुंचना होगा अरे मैं कोई जहर पीने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ और मैं बोल थोड़ी रहा हूँ एक पेट बनाने के लिए तो कह रहा हूँ इतना नहीं कर सकती छोड़िए ना क्या कर रहे हो
पहले लौंग इलायची का बिया और फिर शादी का जोड़ा। हमें सब याद है प्रवीण जी, आप मिलन की रात हमें इसी शादी के जोड़े में देखना चाहते थे ना? आप कैसे रोक पाएंगे अपने दिल को? इतनी जल्दी थी आपको मिलन की रात, अब आप मिलन की रात के लायक भी नहीं बचेंगे प्रवीण बाबू। आते ही होंगे हमारे प्रवीण जी। नरेन बाबू, नरेन जल्दी से ऊपर आ, पता नहीं तेरे पापा कैसे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। जा, मैं माँ पापा से मिल के आ रहा हूँ, तुम यहाँ संभालो। ओके, ना परिवार ना दोस्त, आज तुम्हारे बचाव में कोई नहीं आएगा दुष्ट पापी। हाँ मैं बस पहुंच ही रहा हूं। ये जोड़ा याद है ना आपको? बहुत पसंद था आपको, खास आपके लिए आए हैं लौंग इलायची का बीड़ा बनाकर। जैसी बेरुखी क्यों रवीन जी? सही नहीं है बेना, पर इस बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। पूजा मेरी वाइफ है और ये बात अब इस दिल को भी पता है। अगर आप यहां से बाहर गए तो आपकी पूजा कल की सुबह नहीं देखेगी। दादी क्या होता? इस साल की मेरी तपस्या को भंग करने वाला वो दुष्ट ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं घूम पाएगा। उसे हम खुद इस गुफा में लेके आएंगे और उसके साथ वो हस्र करेंगे। हर गृहस्थ आदमी उसको देख के कांप जाएगा। लेकिन महागुरु, जानता हूं कोई बेला उस नरेन को खींच कर हम तक नहीं ला सकती। उसे इस गुफा में लाने के लिए हमें खुद जाना होगा, वो भी अपने माया जाल का तारा साथ में लेके। मामा, अनुज क्या कर रहे हैं आप लोग? बस शांत हो जाइए। अब क्या समझती है अपने आप को? 50 बार समझाया, एक छोटा सा टैप नहीं बोला सकती मेरे को? पापा मां को छोड़िए, छोड़िए ना, मैंने कहा छोड़िए। क्या हो गया इन सबको? नरेन कहाँ है? पता नहीं नरेन कहाँ रह गए। यहाँ सबको इस हालत में छोड़कर नरेन को ढूंढने भी नहीं जा सकती। दुर्गा माँ मेरी हेल्प कीजिए,
मेरे नरेन की रक्षा कीजिए माँ। इस बार दोहरी हार हो रही है आपकी नरेन बाबू, बेला के प्यार में प्रवीण जी को मुझ तक आना पड़ा और अब पूजा के प्यार में भी नरेन बाबू को बेला तक आना पड़ा। दाद देनी पड़ेगी आपके प्यार की। आज जलन होती है हमें पूजा से कि कोई उससे इतना प्यार करता है कि अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गया। तुम गलत फहमी में हो बेला, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूं, फिर वही तुमसे डील कर लेंगे। आप भूल गए, इस होटल में फोन नहीं लगता। आपको क्या लगता है आपकी गाड़ी का खराब होना, आप लोगों का इस होटल में आकर रुकना, ये सब महज इत्तेफाक है? सब कुछ हमारा किया था। तुम कुछ भी कर लो बेटा, मैं तुम्हें पूजा या अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। सच नरेन, उसे इस गुफा में लाने के लिए हमें खुद जाना होगा, वो भी अपने माया जाल का उतारा साथ में लेके। मुझे बचा लीजिए नरेन। पूजा, पूजा, पूजा। पूजा, पागल हो क्या तुम? ऐसे जंगल की तरफ कोई दौड़ता है क्या? पूजा, 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 कौन हो तुम? पूजा कहाँ है?
पूजा, पूजा। मैं यहां हूं नरेन। पूजा, पूजा तुम यहां क्या कर रही हो? ये लोग ठीक नहीं लग रहे, तुम चलो यहां से। मुझे बेटा अभी अभी यहां क्या हुआ था? नीलू तुम ठीक तो हो? पापा, चाची, माँ, आप सबको संभालिए, मैं नरेन को देखकर आती हूँ। हाँ नरेन, नरेन, हाँ लगता है बाहर ही होंगे। मेरा फोन, नरेन को कॉल कर लेती हूँ। मेरा ये आवाज भी सच निकला, लेकिन मैंने पुलिस को इतने सारे कॉल कब किए? जरूर नीचे ही होंगे। आज का सूर्यास्त आपके जीवन का आखिरी सूर्यास्त होगा नरेन बाबू और प्रवीण जी। तो तुम यहां से जाना चाहते हो, लेकिन इस गुफा में लोग सिर्फ आ सकते हैं, क्योंकि जाने का रास्ता है ही नहीं। क्या हुआ, अचंभित हो? सोच रहे हो कि मैं कौन हूं? मत हो दोस्त, गृहस्थ जीवन बिता के तुम्हें हम यम साधुओं का अपमान किया है, इसकी सजा मिलेगी तुझे। हम तेरे से तेरा पूरा साथ छीन लेंगे, तुम्हें नपुंसक बना देंगे। जब तक मेरी बीवी मेरा कवच बनकर मेरे साथ है, तुम में से कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब तक तेरी बीवी तेरे साथ रही, तेरा कवच रही, अब तू यहां है इस यम गुफा में, और तुम्हारे आसपास सिर्फ पूजा की माया है। क्या सोच रहे हो, ये सच है या छल या फिर कोई मोह माया? नरेन बाबू, विधि के लिए इसकी शुद्धि की जाए। कितने भी रूप धर लो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम।
से तुम भी हमारे कौम का हिस्सा होगे। ये निशानी तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी। हे दुर्गा माँ, मेरी मदद कीजिए नरेन तक पहुंचने के लिए। आज दुर्गाष्टमी के दिन आपको चमत्कार दिखाना होगा माँ, आपको मुझे नरेन तक पहुंचाना होगा। जीपीएस कहाँ लेके जा रहा है मैं? हम जा भी जा रहे हैं, देवी माँ हमें वहां पहुंचाना चाह रही है। पूजा, अरे हाँ पूजा, तुम यहाँ क्या हो गया? नरेन कहाँ है? नरेन, इसका मतलब नरेन को कोई बुरी शक्ति अपने साथ लेके गई है, लेकिन पूजा कोई सच्ची शक्ति भी है जो हमें नरेन तक पहुंचाना चाहती है। राइट, अगर आप लोग ऋषिकेश नहीं आते तो हम भी आपके मोबाइल में कैसे मैजिक करते? पूजा ये सब ठीक कह रहे, वैसे भी नरेन को तुमसे अलग कोई नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी ऑन दैट। पूजा भाई एकदम सही बोल रहा, बस जो हमें यहाँ तक लेकर आया है अगर वो सुन रहा है, हमें देख रहा है, तो ये और मदद कर दो हमारी आगे तक, नेटवर्क ही नहीं आया। अरे नेटवर्क आ गया। ये इसमें एक नया लोकेशन भी है। हाँ, मेरे ख्याल से हमें यही जाना चाहिए। हाँ। हाँ। इसके आगे तो और जाने का रास्ता ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ तक आए हैं तो आगे भी कोई रास्ता जरूर होगा, लेकिन वो रास्ता हमें बताएगा कौन? मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। अरे पता, आप कौन हो? मेरे एग्जाम बाद में लेना, पहले ध्यान से सुनो। इस खंडर के उस पार एक बहुत बड़े साधु का गुफा है, वहाँ ना ही कोई खिड़की है ना ही कोई दरवाजा। तो फिर गुफा में लोग जाते कैसे हैं? मैजिक से। आप तो बस खंडर के अंदर जाइए, बाकी का काम मैजिक संभाल लेगा। अब भी मान जाओ, ज्यादा देर तक मुझे यहां रोक नहीं पाओगे। इसे फिर से बंदी बना लो। एक मिनट, आप सब लोग मेरे साथ अंदर नहीं चलेंगे, पता नहीं अंदर क्या हो, और ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं खुद लड़ूंगी। प्लीज, एक पत्नी से उसका हक मत छीनिए। बट पूजा। नहीं जिया, पूजा सही कह रही है, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। साधु को डर सिर्फ सुहागन औरतों से ही लगता है, हमें कुछ करना होगा।
सब ठीक है। रुक जाओ पूजा, आगे खतरा है। नहीं नरेन, मैं आपके बिना यहां से पीछे नहीं लौटूंगी। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बाहर जाके इनके दोस्तों को भी पकड़ लो। रुक जाओ। जल्दी गो। नहीं मैं ओके। चलो चलो मेरा कम ऑन। छोड़ दो नरेन को, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने आने में बहुत देर कर दी पूजा। तुम्हारे पति में हमारे पति का दिल है और उस दिल को आज सजा मिलकर रहेगी। दिल चाहे किसी का भी हो, उनकी धड़कनों में तो अपने ही बसते हैं। बार बार बेमतलब का हक जताना बंद करो बेला। ये माया नगरी है पूजा, यहाँ से अपने नरेन को कैसे बाहर लेकर जाओगी तुम? मैं यहाँ एक माँ के बेटे को लेने आई हूँ और माँ के आशीष के सामने कभी कोई माया नहीं टिक पाई। छोड़ो, छोड़ो मेरी पूजा को, पूजा। आप कैसे काटोगी इस माया को पूजा? महागुरु विधि शुरू कीजिए।
27 साल पुराने पाप के प्रायश्चित का समय आ गया है। छोड़ दो मेरे नरेन को, नरेन! यहाँ तो हम चार हैं, पर वहां तो बेचारी पूजा अकेले है। यू राइट, हमें अंदर जाना चाहिए, पर उस बच्चे की हेल्प के बिना हम अंदर कैसे जाएंगे? अंदर जाना है? ठीक है, चलो। जी भर कर देख लो अपने नरेन को पूजा, क्योंकि कुछ पल बाद ये तुम्हारा नरेन नहीं, महागुरु का सेवक बन जाएगा। नहीं, आपको मेरी मदद के लिए आना ही होगा, आपको आना होगा मां। मां भवानी, आज आपको अपने भक्तों के लिए चमत्कार दिखाना होगा मां। आपके चमत्कार के सामने इस माया को घुटने टेकने होंगे मां। जय मां भवानी।
देखा ना मैंने, माँ के आशीष के सामने कोई माया टिक नहीं पाती। महागुरु विधि आरंभ कीजिए, हम इसको देखते। क्यों पूजा, लगता है आज माँ का आशीष इस माया जाल को नहीं काट पा रहा। जीत हमेशा माँ की होगी। ये मत सोचना कि पूजा अकेली, इस जंग में हम उसके साथ हैं। जल्दी बना लो इनको, छोड़ो। नहीं, जिसका कवच बनकर मैं यहां तक पहुंची हूं, आज उसी के नाम का लाल रंग मेरा कवच बनेगा। We'll be right back.
अगर जानते तो कभी उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करते। अगर आप लोगों का साथ ना होता तो पता नहीं मैं आज नरेन को बचा पाती भी या नहीं। पर मुझे पूरा यकीन है, हम यहाँ होते या ना होते पर तुम अपने नरेन को कुछ नहीं होने देती। और तुम दोनों का प्यार ना बहुत इंस्पायरिंग है मस्त। ऐसा प्यार की दर्द तो होता ही नहीं। यही तो खास बात है प्यार की, कि प्यार का दर्द भी मीठा मीठा और प्यारा प्यारा लगने लगता है। आज तो अपने नरेन को बचा कर ले गई तुम पूजा, लेकिन कल की सुबह सिर्फ नरेन के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए एक नई सौगात लेकर आएगी।